बात करते हैं मैहर की, जहां निजी स्वामित्व की जमीन पर बनाई गई दीवार गिराई और मारपीट की। फरियादी एवं परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। मामला मैहर के वार्ड क्रमांक 22 कटियाकला निवासी अहिल्याबाई स्वर्गीय राकेश त्रिपाठी की पुश्तैनी जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को लेकर है, जिसको गिरा कर मारपीट की गई है, जिसकी रिपोर्ट थाना मैहर में भी की गई है। फिर भी आए दिन परेशान किया जा रहा है। घटना के दिन 13 जुलाई 2022 को लगभग 6 बजे शाम को अनीता तिवारी पत्नी नरेंद्र तिवारी व उसकी एक बहन के द्वारा बाउंड्री वॉल में लगे गिट को गिरा दिया गया है। दीवार गिराने पर अब उनसे पूछा तो अनीता तिवारी व उनकी बहन रीता तिवारी के द्वारा मारपीट की जाने लगी है। अहिल्याबाई ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट शाम 7 बजे मैहर थाना में लिखवाई गई थी, जिसकी डॉक्टरी जाँच की गई है। अहिल्याबाई ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट शाम 7 बजे मैहर थाना में लिखवाई गई है, जिसकी डॉक्टरी जांच भी की गई है। अस्पताल से जब हम लोग रात 10:30 बजे अपने घर आए तो देखा कि रोड के सामने बनी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिससे लगभग 5,000 का नुकसान हुआ है। अहिल्या त्रिपाठी, वार्ड नंबर 22 से बोल रही हूँ मैं। मेरी स्वयं पट्टे की जमीन है, मेरी स्वयं पट्टे की जमीन है, और ये अनीता तिवारी और अपनी बहन दोनों मिलकर मेरे कान का बाला फाड़ी, बाल खींच खींच कर मुझे मारी, बहुत मारी। और इनके पति नरेंद्र तिवारी जी जो हैं खड़े होकर मुझे मरवा रहे थे। ये सरस्वती स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। इन्होंने किसी प्रकार से रोका नहीं, जबकि मेरी स्वयं की जमीन है। मैं किसी गैर की जमीन संपत्ति पर नहीं वो कर रही थी, जमा रही थी अधिकार। मैं वो बाउंड्री बन गई थी मेरी, मैं गेट लगवा रही थी, उसमें आकर उसने मुझे आकर मारने लगी महिला, और भयंकर मारी, लाठिया से मारी। मेरे पूरे हाथ, ये घाल देखिए, यहाँ फट गया, यहाँ फट गया, बाल खींच खींच मारी, बाल ही खींच खींच मारी, भयंकर मारी। फिर मेरी देवरानी बचाने आई कि क्यों मार रही मेरी जेठानी को, तो उसको भी उठा के पटक दिए लोग, भयंकर मुझे मारा। और वहां पर मेरी कोई सुनवाई नहीं, मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताइए क्या मैं कर सकती हूँ। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग करीब 3 लोग थे, दोनों बहन थी और उसका पति था, 3 लोग थी। फिर उसके बाद जब भयंकर मुझे मार मार गिरा दी, तो उसकी बेटी बचाने आई और एक छोटा सा लड़का, उसकी बहन का भाई का लड़का बचाने मुझे आया। बाकी कोई नहीं लगता रहा, मुझे मार डालेंगे, वही लड़की मेरे को पकड़ी, घसीट घसीट मेरे को डंडा से मारी, मेरी सिर में फट गया, यहाँ पर यहाँ घायल, यहाँ घायल, पूरी तरह से घायल हो गई, पीठ में भी मेरी। आपने न्याय के लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? मैंने न्याय के लिए पहले पुलिस थाने गई वहाँ, और ऑनलाइन शिकायत भी की, SDM के यहाँ भी, सभी जगह कचहरी में, सभी जगह कागजी कार्रवाई कर रही हूँ। और ये मुझे हर समय सन 17 से धमकी दे रही थी मारने की, और अभी 21 में मुझे ठंडी में बोली कि तेरे को खोद के घड़ा दूंगी, तो मैं बोली शायद ऐसे बोल आ रही है। लेकिन उसने आज मुझे 13 तारीख को, 13/7/2022 को रियलिटी करके मुझे मारकर दिखाया उसने।